फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मुझसे आप लोगों ने काफ़ी सारा पूछा फॉलिकल स्टडी के बारे में, सब कुछ जानना है। हालांकि मैंने अपने चैनल पे फॉलिकल स्टडी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बट फिर भी आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं, उसको मैं यहाँ क्लियर करूँगी और फॉलिकल स्टडी के बारे में A to Z जितना मैं जानती हूँ वो सभी आपसे बोलूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने कमेंट देना, एंड हाँ, अगर इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फॉलिकल स्टडी क्या होती है? देखिए, सिंपल शब्दों में बोला जाए तो फॉलिकल स्टडी एक जरिया है जिससे पता चलता है कि जो आपकी एक्स साइज है, हर फीमेल बॉडी में जो एक्स साइज बनती है हर महीने, वो एक्स साइज क्या है, कितनी एक्सरसाइज हुई है, कितना उसका लेंथ है, कितना हाइट है, सब कुछ पता चलता है। तो वो चीज़ें होती हैं। अच्छा, फॉलिकल स्टडी कब की जाती है? फॉलिकल स्टडी आपके पीरियड सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका पीरियड सर्कल 30 डेज का है तो ये आपके पीरियड के 10 दिन या समटाइम 12 दिन के बाद से लेकर 18 दिन या 20 दिन के बीच में हो सकती है, जो आपका उस समय आपका जो एक्स है ना, सही साइज में बनना शुरू होता है। एक्चुअली में जो एक्स हमारे बनने शुरू होते हैं वो हमारे पीरियड्स के समय से ही, मतलब पीरियड्स के दिन से ही बनने शुरू होते हैं। उस समय जो बैड क्वालिटी के एक्स होते हैं ना, वो हमारे पीरियड के साथ बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद से जो गुड क्वालिटी के एक्स होते हैं, जो रिलीज होते हैं, वो धीरे 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 बड़े साइज़ में होते हैं। 12 या 14 दिन तक वो एक साइज़ ले लेते हैं जिससे आपको कंसीव करने में उन दिनों मदद मिलती है। तो फॉलिकल स्टडी इसलिए की जाती है कि जब वो आपका सही साइज़ का एग बने, उस दिन आपको डॉक्टर बोलते हैं या तो नेचुरल ट्राई करो, या फिर अगर IVF होना है तो उसके लिए भी ट्राई करते हैं, या फिर IVF के लिए, मतलब आपको नेचुरल IUI या IVF तीनों में कंसीव करने के लिए आपको एक्सरसाइज सही होना ज़रूरी है, इसके लिए फॉलिकल स्टडी की जाती है। अच्छा, ये कब करने की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि बहुत लोगों को तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो नॉर्मल कंसीव कर जाते हैं। तो देखिए, जब आप कंसीव करने का सोच रहे हो और काफ़ी टाइम तक आपको बेबी नहीं हो रहा है, तो इसको किया जाता है। जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो तो सबसे पहले वो कुछ आपके टेस्ट लेते हैं, जिसमें आपके ब्लड टेस्ट होती है, आपकी जो HSG SCG मतलब होती है, जिसमें आपको HSG टेस्ट होती है, जिसमें आपको आपका जो ब्लॉक ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक ना हो, उसके लिए भी टेस्ट किया जाते हैं। 2-3 टेस्ट आपसे करवाए जाते हैं, उसके बाद आपको डॉक्टर पीरियड दे आपको पूछते हैं, पीरियड आने के बाद आपको बताते हैं कि आपको किस दिन आना है। तो वो 12 से 14 दिन तक आपको बुलाते हैं, और उसके बाद 2-3 दिन हो सकता है किसी की पहले दिन में ही एक्सरसाइज सही दिखती है, या फिर आपको 2-3 दिन रेगुलर जाना पड़ता है। फॉलिकल स्टडीज़ के चार्जेस क्या होते हैं? तो देखिए, 2015 में मैंने करवाया था, तब वो चार्जेस थे, फरीदाबाद में मैंने करवाया था, तब मुझे चार्जेस पे करने पड़े थे 700 फॉलिकल स्टडी का, मतलब इंटायर, चाहे वो 4 दिन का हो, 5 दिन का हो या 10 दिन का हो, इंटायर फॉलिकल स्टडी का 700 लगा था। ये डिपेंड करता है आप किस सिटी में रहते हो और किस हॉस्पिटल में जा रहे हो, क्योंकि हर हॉस्पिटल के चार्जेस अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉलिकल स्टडी कितने टाइप होते हैं फॉलिकल स्टडी के? तो देखिए, 2 तरीके से फॉलिकल स्टडी की जाती है। एक तो जस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड, जैसे अल्ट्रासाउंड आपके होते हैं ना, तो वो आपको लेटा कर पेट पे जेल लगाते हैं और आपके अब्डोमिनल एरिया में वो जो मशीन होती है उससे आपको देखते हैं एक्सरसाइज। अगर उससे उनको ठीक से पता ना चले डॉक्टर को, तो फिर दूसरा होता है वो इंटरनल फॉलिकल स्टडी होती है। ऊपर वाला जो होता है ना, एक्सटर्नल फॉलिकल स्टडी जो होता है, वो समटाइम्स सही मेजरमेंट नहीं दे पाते, कुछ लोगों में, सभी का नहीं, कुछ लोगों में नहीं दे पाते। लेकिन जो इंटरनल फॉलिकल स्टडी करते हैं ना, उसमें एक होता है कि वो एक इतना बड़ा सा, मैं उसका नाम नहीं जानती, वो भी आप देखे होंगे, जब आप किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर में जाओगे तो वहाँ पर एक लंबा सा कुछ होता है, और वो आपके वजाइना के थ्रू अंदर डाल के उसको अच्छे से देखा जाता है कि एक्चुअली में आपकी एक्सरसाइज क्या होती है। तो जिन लोगों की एक्सरसाइज ऊपर से पता नहीं चलती, वो अंदर डाल के उसको देखते हैं, उससे वो एग्जैक्ट जो एक्सरसाइज होती है वो पता चल जाती है।
तो वो दो तरीके से होती है, एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। बहुत लोगों को एक्सटर्नल किया जाता है और बहुत लोगों को इंटरनल किया जाता है। मेरे केस में मेरा एक्सटर्नल ही हुआ था, इंटरनल नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा एक्सटर्नल में फॉलिकल स्टडी जो हुई थी वो एक्यूरेट मेरा एक्सरसाइज बता रहा था। अगर आप, अगर डॉक्टर को डाउट होगा तो ही आपको इंटरनल करेंगे, नहीं तो नहीं की जाती है। अब वो भी डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। मैंने जहाँ से करवाया था वहाँ पे मेरा इंटरनल ही एक्सटर्नल किया गया था, इंटरनल नहीं किया गया था। मेरा जो फॉलिकल स्टडी था मैंने 3 महीने तक कंटिन्यू करवाया था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि 3 महीने तक आपको खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं कंसीव कर पाते हो तो आपको 4th महीने आपको हम IUI करेंगे। तो मैंने टोटल 4 महीने तक फॉलिकल स्टडी करवाई थी, 3 महीने मैंने खुद से ट्राई किया था, 4th महीने मेरा IUI हुआ था। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब इसके बाद बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि क्या फॉलिकल स्टडी में पेन होता है? तो एक्सटर्नल फॉलिकल स्टडी में तो बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, मुझे तो गुदगुदी होती है क्योंकि थोड़ा सा टच करते ही गुदगुदी होती है, लेकिन इंटरनल फॉलिकल स्टडी में भी पेन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम डॉक्टर के सामने अपनी बॉडी को इतना श्रिंक कर लेते हैं, टाइट करते हैं कि वो अंदर जो इंटरनल फॉलिकल स्टडी होती है वो रॉड अंदर जाने में थोड़ी दिक्कत देती है। तो शायद पेन ना हो, लेकिन हाँ हेजिटेशन के कारण आपकी बॉडी में थोड़ा हो सकता है, अगर आप बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइट रखोगे तो थोड़ा बहुत आपको लग सकता है। मेरे हिसाब से ऐसा वही बता सकता है ठीक से जो जिसने ये फेस किया है। तो पेन लेस होता है एक्सटर्नल, तो बिल्कुल पेन लेस होता है, इंटरनल में पेन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी हो रहा है तो मैं इसके बारे में ठीक से आपको नहीं बता सकती। अच्छा, ये फॉलिकल स्टडी होने के बाद कब IUI किया जाता है या IVF? तो जैसे ही आपका एग साइज एक सही मेजरमेंट में आ जाता है, आपका या तो नॉर्मल ट्राई करने के लिए डॉक्टर बोलेंगे, या फिर IUI करते हैं, या फिर IVF जो आपको बोला जाएगा उस हिसाब से। वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है, सही साइज आना चाहिए। अच्छा, जब एक्सटर्नल या इंटरनल IUI होती है उसके बाद अगर एग साइज सही से थोड़ा कम है तो क्या किया जाता है? तो उसके लिए आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है हार्मोनल। मेरे केस में मुझे नहीं लगा था, लेकिन कुछ केसेस में लगते हैं ताकि वो सही से जो एग साइज है वो डेवलप करे और एक सही साइज पे आ जाए और कंसीव करने में हेल्प करे। तो ये सारा चीज़ जो होता है ना, ये मैंने खुद से मतलब खुद पे मेरा हुआ है, इसलिए मैं इस बारे में बता सकती हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ एक इंटरनल फॉलिकल स्टडी के बारे में ठीक से नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, मेरा इंटरनल नहीं हुआ था। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को अगर कोई देख रहा है जिसका इंटरनल फॉलिकल स्टडी हुआ है, तो प्लीज़ अपने जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे बताना, ताकि जो दूसरे लोग आते हैं उनको थोड़ी हेल्प मिले। आज के टाइम में फॉलिकल स्टडी का क्या प्राइस होगा ये मेरी नॉलेज में नहीं है। राइट नाउ मैं जिस जगह पे रहती हूँ, इस जगह पे बहुत महंगा है, 2200 रुपये लगता है इंटायर फॉलिकल स्टडी का, क्योंकि मैं थोड़ी सी हाईकोस्ट सिटी में रहती हूँ। लेकिन आप, हो सकता है आपके वहाँ पर इतना ना लगे, या 700 रुपये जब मेरा 2015 में लगा था, हो सकता है उससे भी कम लगे। वो डिपेंड करता है आपके हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, सिटी टू सिटी। जितनी बड़ी सिटी उतना बड़ा दाम, जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना बड़ा दाम, यही होता है। तो सारी चीज़ें जो भी है, आप लोगों की सिटी में कितना पैसा लगता है वो भी बता देना, ताकि दूसरे लोगों को हेल्प मिले, और अपना एक्सपीरियंस भी बता देना फॉलिकल स्टडी के बारे में। अच्छा, बहुत लोगों ने ये पूछा कि क्या फॉलिकल स्टडी के बाद हम कंसीव कर जाते हैं? तो देखिए, फॉलिकल स्टडी जैसा कि मैंने बताया कि वो एक एक्साइज का मेजरमेंट के लिए होता है, ठीक है, पर कंसीव करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फॉलिकल स्टडी में एक्साइज तो सही हो गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में और भी होती है। ये भी होती है कि आप सब चीज़ में ठीक हो, लेकिन आपका जो आपके एक्स और आपका पार्टनर का जो स्पर्म है वो ठीक से मिल नहीं पाते हैं, सही जगह पे मिल नहीं पाते हैं, तो भी नहीं होती है। तो फॉलिकल स्टडी से प्रेगनेंसी का इतना ही लेना देना है कि वो एक एक्स साइज का जो मेजरमेंट है वो सही से बताएगा, बस इतना ही। कंसीव करना ना करना ये आपकी बॉडी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मेरी नॉलेज के थ्रू। आप इसके बारे में एक बार अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं।
हो सकता है वो आपको और भी कुछ नई चीज़ें बताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।